आज मुझे सुमन जी मिल गई फाइनली। तो मैं पहुंच गई हूँ दिबियापुर। वाली मशीन है ना, गांव भैंसों को चारा बड़े में। मैं ब्लॉग तो मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस गांव में मैं आ चुकी हूँ। मैं आ गई हूँ अपने घर गांव। तो वहाँ पे हो रही है बहुत तेज सर्दी और देखो मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है। और मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने जींस टॉप डाला है, इसके ऊपर मैं डालूंगी जैकेट। और आज मैं जा रही हूँ अररिया दिबियापुर शिवानी के गाँव। तो शिवानी से मिलूंगी। और इसीलिए अभी देखो बाल नहीं काटे जल्दी जल्दी, मेरी अलर्ट नहीं आ रही है, फोन मेरा चार्ज नहीं हो पाया सही। गुड मॉर्निंग गाइस। और अन्नू की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, फोन में टॉर्च जला के रख दी और भूल गए, और सारी रात टॉर्च जलती रही। जल्दी है चाय के लिए, मैंने बाल जल्दी जल्दी काट लिए। और ये देखो इन का आलू, अभी आलू उबाले है का इन्हें, देखो जले हमें तो अपनों कर्म ही लगे रहे जले, इन चूल्हे पर आलू उबाल ले सब जल्दी उठी ही थी। और आलू के पराठे बनाए थे, चाय बनाए थे, भैया धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हमें भूख कतई नहीं लगी, उर्द की दाल रात को खाई पेट हुई मेरे खराब। उर्द की दाल हमें पचतना है, और उर्द की दाल थोड़ी सी खाई लगी अपने, खाई दो चम्मच तो मेरे पेट खराब हुई, भूलियो बहुत तेज। आज चूल्हे पर रहे भैया पराठे बहुत ही मजेदार आलू के खाए नहीं, लेकिन हम चलो दो बांध लिए है। चलो जे जिस जिसको खाने हो आलू के पराठे भैया, अम्मा कुछ बोलोगी? अम्मा जब बोलो, मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, मेरे वीडियो ये कहीं देख के बोलो, मेरे वीडियो अच्छे लगे लाइक, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, बोलो मेरे वीडियो लाइक कर, लाइक करो। हाँ चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल कह रही मारी। अच्छा कह दो चलो सब लोग मतलब सपोर्ट करो, सब लोग सपोर्ट करो। हाँ अरे वाह धन्यवाद धन्यवाद। अब तो अम्मा उन्होंने बोल दी तो सब लोग अब ना करो सपोर्ट हमें जल्दी जल्दी। हाँ अब बिल्कुल हो चुके रेडी, इसी तरह जाएंगे जल्दी जल्दी। अम्मा मान नहीं रही तो पराठा खाने जा रहे हैं। अम्मा कह रही खा के ही जाओ, ये देखो और ये छोटी वाली चाची वो आ गई है हमसे। अनु लगी पड़ी कैसे लग रहे पराठे? अनु कह रही एक नंबर है, अम्मा ने बनाए थे पराठे, ले खाए ले तब जाइयो। हाँ तो अब जबरदस्ती कर रही तो खाए के सही जा रहे, खा ले सही निकल। और एक साचे को बाहर खड़ो है, हम यहाँ से निकल दिए हैं और तैयार। तो देखो हमारा रिक्शा जो आज को रिक्शा बैठ के जाए, जो दो लोग आ रहे हैं हमें पठान चला तो पठाने के लिए निकल का आई कुल्ला करवाई पैसा और लिए जे बताओ। देखो तो जो खड़ो रिक्शा और देखो इतनी जोड़ को रहा कछु दिखाए ना इधर, इतनी सनदी में भी हम जा रहे ढूंढने, कछु ही नहीं दिख रहा दूर का, पास को नहीं दिख रहा तो दूर का देखे। तो हम हो चुके हैं रेडी, अब यहाँ से निकलते हैं हम। चलो बस में, और बस में बैठ कर चलती हूँ शिवानी के यहाँ जा रही हूँ। मेरे ज्यादा जा रही होगी गाड़ी की आवाज। और अन्नू को देखो मैंने ग्लव्स खरीद के सवारी। चलो ये देखो गाइस है बिदुना की मार्केट, किस तरह से लगी हुई है रोडों पर, बाहर भी लगा रखी इतनी सारी मिठाई। बताओ गुड़ गाँव में जैसे बनते थे ना गोल गोल लड्डू। देखो मैं पहुँच गई हूँ दिबियापुर, अब यहाँ से जाएंगे हरियाली। हरियाली के लिए ऑटो साइड से मिलेगा ऑटो, और हम लोग उसमें बैठ गए हैं, निकल दिए ये वाले ऑटो में बैठ कर हरियाली गाँव पहुँच कर आपको दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं हरियाली, अब देखते हैं शिवानी जी घर पे हैं कि नहीं है। ऑटो से उतर गए और ये कच्चे वाले रास्ते से जा रहे हैं उनके गाँव के लिए, मिलती है अभी यहाँ पे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ शिवानी जी के घर, तो शिवानी जी भी नहीं है और मेरी किस्मत बहुत खराब है, आंटी जी भी यहाँ पे है नहीं, दवाई लेने गई हैं। आज मुझे सुमन जी मिल गई फाइनली, जो पहले नहीं मिली थी, पहले मम्मी मिली, अब दीदी मिल गई। और ये सारे लोग भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? बरेली से। बरेली से आए हुए हैं। और देखो छोटी प्यारी सी गुड़िया है, कैसी वीडियो बना रही है। यहाँ पे और भी लोग आए हैं, उधर दूर खड़े हैं। अन्नू हाँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इन्हें तो बहुत ही ज्यादा मिलना था। मेरे से कह रही मैं तो पता नहीं वो जा रही हूँ, मेरे को मिलना ही है, पर अभी तो वो मिली नहीं है, देखते हैं। तो अब ये लोग भी आए हुए थे, अब सारे लोग हम जा रहे हैं। न शिवानी जी है न मतलब मम्मी, एक भी लोग यहाँ पे है नहीं। और हम लोग निकलते हैं कहीं और चलते हैं। चलो आप लोग बने रहो हमारे साथ, दिखाते हैं आगे। तो गाइस मेरा फोन जो है ना बिल्कुल डैमेज, बिल्कुल खत्म हो चुका, चार्ज था नहीं, 5% था। तो इन्होंने भाई ने मुझे दिया है ये अपना पावर बैंक,
इससे मैं चार्ज करते हुए जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ राधा दीदी के घर, तो देखती हूँ राधा दीदी मिलेगी। अभी उनका घर मुझे नहीं पता है, तो ढूंढेंगे चल के, पूछ लेंगे ना किसी न किसी से। पूछो, बच्चे आगे जा तो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे तो ये लोग बताएंगे कोई ना कोई, वहाँ उधर पूछ लेते हैं ना, उधर इधर 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 पूछेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, पूछते हैं राधा दीदी का घर कहाँ पर है। मैंने लगा रखी जब मूली है कि गोभी है, हम जानते ना, तो जब मूली है शायद, हरो धनिया जहाँ मैं लगो है। और वन पे बैठे बाबा छोटे छोटे बच्चन के बीच रोटी खाने में लगे पड़े। अब हाँ बिल्कुल बाबा, क्या खा रहे? भात बाजरा। रे भाई बाजरा की रोटी सब्जी, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट कर दिया। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? नमस्ते, नाम बताना, भूल गई, रश्मि है ये, सॉरी मैं भूल गई थी, वीडियो देखा था मैंने। आप ठीक हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी नखलो गई है। और तेरी क्या बात है, आज फूटे वाले पेन तक किस्मत लिखाए गलाए हैं क्या? हम ज्यादा बहुत ही बहुत स्याही खत्म हो गई थी मेरे पेन की, सही बात है। और मैं तो बहुत दूर से आई हूँ ना, इधर की रहूंगी ना उधर की। मम्मी आएंगी कब? चार पाँच दिन तक मैं कहाँ रुकूंगी, रुक जाओ, 4-5 दिन मैं दिल्ली से आई हूँ। और कबाड़ा ही हो गया मेरा तो, सब बेकार हो गया, कोई नहीं मिला। देखो कितने सारे लोग मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मिलने के लिए अच्छा, किसी एक की फूटे पेन से किस्मत लिखी थी, सबकी लिखी गई लग रहा है। राधा दीदी आपकी मम्मी है क्या? हाँ मेरी मम्मी है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू ये राधा दीदी के बेटे हैं। और सबसे मैं ही हूँ। अच्छा, और ये है राधा दीदी का घर, एक ये छोटी सी छप्पर डरी है, और इसको बंगला बोलते हैं गांव में, लेकिन इसे मड़ैया हुआ है ये भी, मड़ैया बताओ कोई, ये छोटा सा कुठला जिसमें वो गेहूँ और वो करते हैं ना, सारी चीज रखते हैं इसमें। तो गाइस देखो, हमें पहली बार जा साल साग नौ कन्ने को नहीं मिलो, और राधा दीदी के वजह से उनकी मेहरबानी नौ कन्ने मिले। और दीदी था ने, हमने भाई से बोला, सोनू भाई ने, देखो मेरे को तुरंत जो देखो साग कुटवानो स्टार्ट कर दो, हमें जो निकाल लो कमात है, पहले निकालो कहते जब छोटे थे। अच्छा, 4 साल हमें कहा गाँव में मेरे जो निकाल के दे दो, तो हमें निकाल लो नहीं यार, रखे काय में पन्नी दे हुए, अब जो लइये अम्मा से रंधवाए आज ही रात में जाए। चना को साग, चना को साग है जो हमें यहाँ भैया खाओ, अच्छो लगो। तो भैया पन्नी लग जा रहे सिंचाई में रख कर, नहीं इतने अच्छे सिंह आने की वजह से हमें जो चना का साग पहली बार मिलो, और जा रो साल हमें कहू और खवाओ, तो हमें हर साल थोड़ो चाहिए होते एक बार खाने। दिल्ली मिलता है 100 रुपया किलो, लेकिन लकड़ियाँ ज्यादा होती हम साग होते हमें काटनो ना ही मेथी काटनो हाथ, हम जा कह देते अपने हस्बैंड से अगर खाओ तो काट लियो, नहीं तो मेरे चक्कर में रहो मत। तो और नहीं तो वो चारे काटने वाली मशीन है ना, गांव भैंसों का चारा बड़े मशीन से काट के डालते हैं, और दिल्ली में छोटी मशीन है ना, उसी से चारे एक तरह काट दो, वहाँ बेचने वाले काट के वही काट के दे देते हैं भाई, चारों वाला खाना खाते हैं हम लोग।